कई बार क्वेश्चन में बोला जाता है कि आप कंप्लीट बैलेंस शीट बनाइए, तो आप ध्यान देना, ये 17 आ गया, ये 17 रुपये आपको कैश मिला ही मिला होगा। तो यहाँ पे ना एक पार्ट और आएगा जिसका नाम होगा हमारा करंट एसेट्स का, ये भी नोट कर लेना, नोट करते हुए करंट एसेट। करंट एसेट्स के अंदर ए पार्ट डाल देता हूँ मैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे। कैसे कैलकुलेशन होगा मैं बाद में डिस्कस करूँगा, यहाँ अमाउंट लिख देंगे जिससे कि हमारा एसेट यहाँ से यहाँ तक ये आ जाएगा लाइबिलिटी का टोटल, और यहाँ से यहाँ आ जाएगा हमारा एसेट्स का टोटल। तो जो ये टोटल है हमारा और जो ये टोटल है, तो एक तरीके से बात तो वही हो गई ना, एसेट्स और लाइबिलिटी का टोटल मैच हो जाएगा। तो ये मैं भी बाद में बताऊँगा, रिजर्व एंड सरप्लस भी बाद में बताऊँगा, पहले मेन नोट वन पर करेंगे बात, करना स्टार्ट करें, ठीक है, नोट कर लिया ना। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ये सब हटा देते हैं, ये सब हटा देते हैं शुरू से एग्जांपल, और नए एग्जांपल के साथ स्टार्ट करते हैं, ये सब हटा देते हैं। ध्यान से देखिएगा एग्जांपल, बड़ा सिंपल है ये टॉपिक। मान लेते हैं मैंने इशू किया, ऑथराइज कैपिटल एसी लिख रहा हूं मैं, ऑथराइज कैपिटल मान लेते हैं मेरा 5 लाख इक्विटी शेयर है और एट द रेट 10 रुपीज का ईच है। मैंने इशूड किए इसमें से 1 लाख इक्विटी शेयर और 10 रुपए का हमारा एक शेयर है, इसका मैं कुछ आपको डिटेल देने जा रहा हूँ, ठीक है ना सर। 10 लाख का डिटेल क्या है, 10 रुपए, 5 रुपए, 3 रुपए और 2 रुपए। पहला एग्जांपल, धीरे धीरे मैं एग्जांपल को आगे बनाता जाऊँगा, एग्जाम्पल नंबर वन। लेकिन आप कोशिश करिएगा कि हर एक एग्जाम्पल को नोट करें ताकि आपको क्लियर हो। यहाँ पे मिस्टर राम जिसके पास 300 शेयर है वो फेल हो गया, ठीक है। यहाँ पे मिस्टर मोहन जिसके पास 200 शेयर है वो फेल हो गया, क्लियर। आपको बैलेंस शीट बनाने को बोला गया है। अब देखिए बैलेंस शीट कैसे बनेगा। सबसे पहले ऑथराइज कैपिटल में हमारा प्रेफरेंस शेयर का तो काम नहीं है, मिटा देते हैं, और जनरली आपका होगा भी नहीं काम किसी क्वेश्चन में। तो हमारा ऑथराइज कैपिटल में क्या अमाउंट ले, 5 लाख है, तो 5 लाख शेयर और गुणा में 10, तो कितने हो गए, 50 लाख। इस टोटल को हम यहाँ लिखेंगे 50 लाख। अब इशू प्रेफरेंस शेयर हटा देते हैं, फुल्ली पेड अप की बात चल रही है, तो इसका मतलब सर 1 लाख शेयर था, 1 लाख में से तो 500 शेयर ऐसे थे जिन्होंने पूरे पैसे दिए ही नहीं, है ना, 500 शेयर तो वो थे जिन्होंने पूरे पैसे दिए ही नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें लिखना चाहिए 99,000, समझ में आई बात, और 10 रुपये लिखना है क्योंकि पूरे दिए इन्होंने, तो 10 के हिसाब से आ जाएगा हमारा 99,500 और 10 और बढ़िया 9,95,000। अब सर इस कैटेगरी में क्या आएगा, इस कैटेगरी में जो फेलियर है, तो इस कैटेगरी का फेलियर का डिटेल देखो मैं कैसे लिखूंगा। एक तो 300 शेयर होल्डर और एक 200 शेयर होल्डर, मैंने कहा सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड, तो यहां पे कुछ बच्चे कहते हैं कॉल्स इन एरियर। सर कॉल्स इन एरियर वाला होता है जब दूसरे वाला स्टाइल होता है ना, तो कॉल्स इन एरियर यहां पे लेस कर दिया जाता है कॉल्स इन एरियर। अगर आपसे कोई पूछे ना बताओ कि आपका बैलेंस शीट में कॉल्स इन एरियर कहाँ आएगा, तो नोट नंबर वन में ट्रू, लेकिन मैं कॉल्स इन एरियर वाले कॉन्सेप्ट से लेके नहीं चल रहा, सिंपल। अब जितने पैसे दिए बताओ, 300 वाले ने 5 दिए तो गुना में, और इसने कितने दिए हैं, इनटू 8, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 1500 और 1600 टोटल। अब टोटल करेंगे हम इसका, समझ में आई बात, अब टोटल करेंगे 995, और आप थोड़ा सा बस पेशेंस रखना, जब क्लास खत्म होगा ना तो आपको पूरा बैलेंस शीट अच्छे से आता होगा, लेकिन फिलहाल आपको अभी देखना है, जो भी मन में डाउट है थोड़ी देर के लिए डाउट रखना। अब इसका टोटल जो है हमारा 998,100 वो कहाँ जाएगा, यहाँ पे 998,00। क्या मैंने इस 50 लाख को टोटलिंग में कंसिडर किया है, नहीं किया है, समझ में आया पहला केस, बताइए पहले केस में। अभी फोर फीचर पे नहीं आया, फोर फीचर पे भी आएंगे, री इशू पे भी आएंगे, सारे कैटेगरी कवर करेंगे, पहले सिंपल सा केस, क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए, रफली नोट करिए, या आपको इमेज क्लिक करना है तो इमेज क्लिक कर लीजिए, इसका
एग्जाम्पल नंबर वन है, जो बच्चे लाइव क्लास में, वहाँ स्क्रीनशॉट तो लगेगा नहीं, तो आप बाद में इस एग्जाम्पल को नोट कर लीजिएगा ताकि आपको बस समझ में आता जाए। इसमें किसी को डाउट है तो बताइए। 5 और 8 मल्टीप्लाई क्यों हुआ? 5 और 8 मल्टीप्लाई क्यों हुआ? क्योंकि जितना दिया है ना, यहां पे पेड अप वैल्यू लेते हैं, तो 300 वाले ने सिर्फ 5 दिया है तो 5 से मल्टीप्लाई, 200 वालों ने सिर्फ 8 रुपए दिए तो 8 से मल्टीप्लाई, जो देगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं अगला एग्जाम्पल लिखूंगा, क्योंकि ना आपके पास तो वीडियो रहेगी, तो मैं ये चाहता हूं कि आपको ज्यादा से ज्यादा जो आपके माइंड में चल रहा है ना पॉइंट, मैं उसको कवर करता जाऊं फटाफट, है ना, इंस्टेड ऑफ के नोट करना, क्योंकि वीडियो रहेगा, आप बाद में इसको एग्जाम्पल को नोट कर लेना। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2। सर एग्जाम्पल नंबर 2, मैं एक ही एग्जाम्पल में सारे पॉइंट्स आपके कवर करने की कोशिश करूंगा। एग्जाम्पल नंबर 2, क्वेश्चन में देखिए, इशूड कितने हमारे 1 लाख, एप्लीकेशन रिसीव जो है वो मान लेते हैं 2 लाख। क्या ऐसा पॉसिबल है कि इशूड 1 लाख की है और एप्लीकेशन 2 लाख? पॉसिबल है। मान लेते हैं मिस्टर राम, जिसके पास 300 शेयर है, यहां फेल हो गया, 300 शेयर है और वो फेल कहां हुआ? फाइनल कॉल पे, ठीक है। एक्सेस मनी हमने क्या करा, और भी इसके अंदर पॉइंट ऐड कर देता हूं जो आपके मन में ख्याल चलता है, कि मान लेते हैं कि मैंने 30,000 एप्लीकेशन को, मैं बोलता जा रहा हूं इसलिए पूरा डिटेल नहीं लिख रहा, 30,000 एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया, बैलेंस को प्रोराटा बेसिस, बैलेंस को प्रोराटा बेसिस। क्वेश्चन समझ में आया सभी को? अब देखो इसका आंसर इतना सिंपल है, क्या करेंगे हम सिंपली, ध्यान से देखिएगा। पहले वाला तो यही रहने वाला है हमारा 50 लाख और 50 लाख। अगले पॉइंट पे देखा जाए तो हम जो यहां पे लिखेंगे इशू एंड सब्सक्राइब, तो सर हमने 1 लाख इशू किया था जिसमें से 300 फेलियर हो रहा है, तो इसका मतलब 99,700 ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने पूरे पूरे पैसे दिए हैं, तो यहां लिखूंगा मैं सिंपल 99,000 और मल्टीप्लाई 10, तो 99,700 और 10 और आ गया। सर यहां पे क्या होगा, यहां पे फेलियर कौन है? राम है, 300 शेयर, कितने रुपए दे दिए उसने? 5 और 5 और 3 8, तो 8 यानी यहां पे आ जाएगा 2400। डन, हमारा आंसर डन। टोटल कर देते हैं, टोटल करके क्या आ जाएगा हमारा? 9,99,400। और यही टोटल यहां पहुंच जाएगा, यहां पहुंचाने की बार बार जरूरत नहीं है। अब इस एग्जाम्पल से क्या क्लियर हुआ? सर इस एग्जाम्पल से क्लियर हुआ कि अगर ओवर सब्सक्राइब हो कोई रोल नहीं है, अगर बैंक से रिफंड हो रहा है कोई रोल नहीं है, प्रोराटा अलॉटमेंट है उसका भी कोई लेना देना नहीं है। यही तो समझ में आया इस एग्जाम्पल से, यानी जब कभी भी बैलेंस शीट में पुट करना होता तो नॉर्मल तरीके से हमें चाहिए कितना इशूड है और कौन सा एरियर है, दैट्स इट। तुम्हारा ओवर सब्सक्राइब हो रहा है या तुम्हारा कॉल से मान के चलते हैं कि पैसे रिफंड किए जा रहे हैं, या अप्लाई कैसे निकालने हैं, अलॉटेड कैसे निकालने हैं, उन सब का कोई लेना देना नहीं होता, हम डायरेक्टली करते हैं। समझ में आया दूसरे एग्जांपल में? बताओ कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट नहीं? एक बार फटाफट जो इमेज क्लिक कर लो आप, फिर मैं अगले पे चलूंगा, एग्जाम्पल 3 पे। जो बच्चे लाइव क्लास में वो भी बता दे डाउट। अगर जो बच्चे लाइव क्लास में उनका भी डाउट है तो बता दीजिए फटाफट से प्लीज। यहां पे ना ऐड होना है, मैं थोड़ा सा यहां ऐड फॉर्मेट में कर लेना, ऐड ही होगा ये, लेस नहीं होगा ये, ऐड होगा हमेशा, हाँ हमेशा ऐड होगा, लेस नहीं होगा ये दूसरे फॉर्मेट में होता है, ये बस एडिंग कर लेना, वो तो लास्ट की बात, हाँ बस मिटा दूं इसे। चलिए अब एक फ्रेश एग्जाम्पल आपके लिए मैं तैयार करता हूँ, इस एग्जाम्पल को ज़्यादा देर नहीं चलाते, सेम ही रखूँगा लगभग मैं। देखो एग्जाम्पल, मैंने कहा कि मैंने इशू किए हैं, अब थोड़ा कम ले लेते हैं, ठीक है, 10,000 शेयर एट 10 रुपीज़ ईच, और 10 रुपए का कुछ डिटेल मैंने ऐसे दे दिया,
₹2, ₹5 और ₹3। यहाँ मिस्टर राम फेल होता है जिसके पास 600 शेयर है और इसके शेयर फाइनल कॉल के बाद शेयर फॉरफीचर कर लिए गए हैं इसके। और एक यहाँ पे फेलियर है मोहन जिसके पास 300 शेयर है, 300 लिख दिया तो लिख दिया। फॉरफीचर जो किए हैं ना मैंने वो सिर्फ राम के किए हैं। क्वेश्चन क्लियर? अब क्वेश्चन रेज होता है सर ऑथराइज कैपिटल में क्या लिखें? तो जब आपको ना पता हो तो आप इशूड वाले से ही ऑथराइज कैपिटल का काम चलाएंगे। तो 10 यानी आपका हो गया 1,00,000। क्या अब इसके टोटल को पूरा लेना? नहीं लेना। आप भी समझे बात? अब चलिए आगे क्या रहेगा प्रोसेस, ध्यान दीजिएगा। यहां पे फोर फीचर भी इंक्लूड किया मैंने। तो यहां पे आपका आएगा सबसे पहले तो हमारे पास टोटल शेयर कितने हैं 10,000 में से, तो 900 शेयर होल्डर वो हैं जो कि फेल हो रहे हैं, तो 900 को तो अलग करो। बचे कितने? 91। तो 9100 है जो फुल्ली पेड अप है। तो यहां पे आएगा 9100 इंटू में 10, तो 91,000। अब यहां समझना ध्यान से। अब देखो जिसका शेयर फॉरफीचर हो जाता है वो तो फॉरफीचर में पहुंच जाएगा और जिसका शेयर फॉरफीचर नहीं हुआ वो यहां रहेगा। तो अब राम का शेयर फॉरफीचर हो चुका है तो कितने रुपए फॉरफीचर किए होंगे उसके? सिर्फ ये 2, तो इसके 1200 यहां पहुंच जाएंगे। कुछ बच्चे बोलेंगे सर कैसे आए, तो 600 गुणा में 2। और इसका शेयर फॉरफीचर नहीं हुआ है तो वो यहां पे आएगा 300 मल्टीप्लाई 5 और 2 7, 2100। ये डिटेल जाके बनेगा। यानी इस एग्जाम्पल से क्या हो गया टोटल बताओ फटाफट? 94,300। हाँ, अब तीसरे एग्जाम्पल में हमने क्या सीखा कि अगर शेयर फॉरफीचर होता है तो उसका अमाउंट इसमें नहीं आता, उसका कहाँ चला जाता है? शेयर फॉरफीचर में। और जिसका एरियर है जो फेल हो रहा है सिर्फ उसी के अमाउंट को हम यहां दिखाएंगे। कंडीशन यहां पे दिखाने की यानी कंडीशन है, आप फेल तो हुए लेकिन आपका शेयर फॉरफीचर नहीं होना चाहिए। जैसे ही आपका शेयर फॉरफीचर होगा आप फटाफट से आ जाएंगे नीचे वाले कैटेगरी के अंदर। समझ में आई बात आपको? अब इसको टोटल करके एग्जाम्पल नंबर ये था 3 था 4 था 3 था। चलिए नोट करिए, इसमें किसी को डाउट? अरे भाई अक्षय आपको मैंने कितनी बार बता दिया 7 जो पेड करेगा वही आएगा। तो इसका देखो, इसका फेलियर है तो 5 और 2 7 पेड किया है तो वही आएगा। चलिए एग्जाम्पल नेक्स्ट, नेक्स्ट एग्जाम्पल में चलते हैं, इसी को आगे हम और कंटिन्यू करते हैं। मान लेते हैं राम यहां पे फेलियर है 200 शेयर और मोहन यहां पे फेलियर है 300 शेयर। इन सभी के शेयर को फॉरफीचर कर लिया गया इसी जगह पे, अलॉटमेंट पे था और अलॉटमेंट पे फॉरफीचर हो गया है ना। इसके बाद यहां पे 200 शेयर होल्डर और फेलियर है, मान लेते हैं श्याम। यहां पे 200 और शेयर होल्डर फेलियर है श्याम, ठीक है, और इसका भी शेयर फॉरफीचर हो गया। देखते हैं कौन जवाब देगा। अब मैं यहां पे करना चाहता हूं, ये मैंने मिटा दिया यहां से, यहां इक्विटी शेयर कैपिटल तो लिख ले और इसको भी मिटा दे। बिल्कुल चलिए, क्वेश्चन समझ में आया कि जी हमारा 2, 5 और 3 था, 2 व्यक्ति यहां फेलियर और यहीं फॉरफीचर और 1 व्यक्ति आगे फेलियर आगे फॉरफीचर। सबसे पहले तो हमारे पास शेयर्स कितने हैं 10,000। इस 10,000 में से जो बेकार के शेयर होल्डर उसको निकाल के बाहर करो तो कितने हैं 3, 2, 5 और 2 जी 700 निकाल के बाहर कर दिए। बचे कितने? 9300। यहां पे तो साधारण सा जवाब है कि 93,000 आएगा। ये समझ में आ रहा है ना आपको? अब इक्विटी शेयर कैपिटल में इसमें सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में वो लिखते हैं जो फेल तो हुआ है,
फोरफीचर नहीं हुआ, यहां पे तो जो फेल हुआ उसका फोरफीचर भी हुआ, यानी यहां पे आने के लिए कुछ भी नहीं बचता। अब सीधा कहां लिखेंगे शेयर फोरफीचर में, कितने 300 और 200, 500 शेयर ने ₹2 दिए होंगे, तो मैं यहां लिख देता हूं 500 गुणा में 2। फोरफीचर का मतलब क्या होता है, जितने पैसे देते हैं वही तो फोरफीचर होता है, और इसका इसका कितना फोरफीचर करेगा बताओ, क्योंकि 200 था तो 5 और 2 7 दे दिए इसने, तो ₹7 और 200 तो कितने 1400। तो इसका मतलब यहां पे 1000 + 1400, तो रिजल्ट जो आया है निकल के 9300 + 2400 यानी 95400 जो कि यहां पहुंच जाएगा, कोई दिक्कत। मैंने एक तरीके से देखा जाए तो कुछ बच्चे बोलते हैं सर पहले फोरफीचर हो जाए तो क्या होगा, बाद में फोरफीचर हो जाए तो क्या होगा, इसलिए मैंने टेस्टिंग के लिए अभी रीइश्यू पे नहीं आए हम अभी सिर्फ किस पे चल रहे हैं, कॉल सिनेरियो कर लिया ठीक है, इसके बाद रीइश्यू वाले कॉन्सेप्ट लूंगा। यहां तक बताइए किसी को कोई डाउट तो, नोट करिए फिर इसको। चलिए अगले पॉइंट पे, एग्जांपल सेम। अब देखिए मैंने क्या करा, यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे राम फेलियर है 300 शेयर और एक मोहन फेलियर है 200 शेयर, ठीक है, दो व्यक्ति को तो मैंने यहां फेलियर कर दिया अलॉटमेंट पे। इसके बाद यहां पे मान लेते हैं दीपक, दीपक जिसके पास 500 शेयर है ये फेल हो गया, ठीक है, दीपक फेलियर है 500 शेयर में, समझ में आया यहां तक फेलियर। अब मैंने इन दोनों के शेयर को फोरफीचर कर लिया, इन दोनों के यानी मैं यहां कैटेगरी बना देता हूं, ये जो दोनों है इसका शेयर फोरफीचर किया आफ्टर शेयर फाइनल कॉल, और इन दोनों के शेयर को मैंने रीइशू भी कर दिया है, ठीक है ना, इन दोनों के शेयर को मैंने रीइशू भी कर दिया है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में क्या आया कि दीपक एक ऐसा पर्सन है जिस जो फेल तो हुआ है, उसके ना तो फोरफीचर हुए, जब फोरफीचर नहीं हुए तो रीइशू का तो सवाल ही नहीं है। यहां पर राम और मोहन दो व्यक्ति थे, इनके फोरफीचर भी हो गए और रीइशू भी हो गए, तो अब देखिए कैसे होगा। हमारे टोटल शेयर कितने थे, अब जितने रीइशू हो गए ना उसको मत मानना कि वो फेलियर है, क्योंकि जब वो रीइशू हो गया तो जो बेकार वाला शेयर होल्डर था उसको निकाल के उसकी जगह पे रिप्लेस नए शेयर होल्डर को कर दिया है। तो अब यहां पे सिर्फ और सिर्फ ये वाला 500 माना जाएगा, पैसे नहीं आए। वैसे टोटल एटी में देखोगे तो सर 10,000 में से 1,000 शेयर होल्डर ऐसे थे जो कि फेल वेल कुछ कुछ हो रहे थे वहां पे, लेकिन इन 500 शेयर होल्डर को रीइश्यू भी तो कर दिया, तो अल्टीमेटली देखा जाए तो सिर्फ 10,000 में से 500 शेयर होल्डर ऐसे शेयर होल्डर हैं जो कि पैसे नहीं दे रहे हैं, समझ पा रहे हो बात को। इसका मतलब अब यहां अगेन कितना लिखेंगे हम, 9510 95,000। सर शेयर फोरफीचर में तो एक और बात याद रखना है, जब किसी का शेयर फोरफीचर हो जाए और उसका रीइशू भी हो जाए तो उस सिचुएशन में किसी का फोरफीचर में अमाउंट नहीं जुड़ेगा उसका, तो यानी अब सिर्फ यहीं पे रह जाएगा। और यहां पे भी किसका मैं लिखने वाला हूं, सिर्फ और सिर्फ दीपक का, और कितने फेलियर हुआ दीपक देने में, 5 और 2 7, तो यहां पर कितने आएंगे, नहीं 3 देने में दिए कितने थे, 3 5 7, तो कितने हो जाएंगे, तो जवाब जी यहां पे आएगा ना वो आएगा 95 98, ये पहुंच जाएगा। बताइए कोई डाउट, अभी हम कैपिटल रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम का नोट नंबर 2 का मैं एक साथ ही बात करूंगा, अभी नहीं कर रहा मैं उसकी बात, मैं सिर्फ नोट नंबर 1 सिखा रहा हूं आपको, ठीक है। कोई डाउट इसमें, अभी और भी एग्जाम्पल लेंगे, कोई डाउट, फटाफट इमेज लीजिए फिर दूसरा एग्जाम्पल देखिए, डाउट कोई, एग्जाम्पल नंबर कौन सा था, मैंने 3 ही लिखा हुआ है, वैसे तो 4 5 हो गए मेरे ख्याल, 5 हो गए, चलिए छठे पे चलते हैं। ठीक है, अभी जिसको भी समझ में नहीं आया है एक और एग्जाम्पल लेता हूं मैं, उनको समझ में डेफिनेटली आएगा, ठीक है। मान लेते हैं यहां पे राम 300, मोहन 100,
अमाउंट कुछ ऐसा हो सकता कॉन्फ्लिक्ट हो जाए यहाँ पे। और दीपक, दीपक 50 शेयर, ठीक है अब ठीक है, सब कुछ अलग अलग है ना, 50 की जगह पे इसको ले लेते हैं 200, ये सही रहेगा, सिंपल। अब ध्यान से देखना मैं क्या बोलना चाहता हूँ, राम के शेयर जो हैं फोर फीचर हो गए, मैं लिख रहा हूँ यहाँ शेयर फोर फीचर हो गए, और राम के शेयर री इशू भी हुए। सर कितने के री इशू की हुए मैटर ही नहीं करता यहाँ पे, नोट नंबर वन में मैं बोलूँ इसका 10 का 15 में री इशू हो गया, 10 का 8 में री इशू हो गया, मैटर ही नहीं करता। आपको तो सिर्फ कैच पॉइंट पकड़ना है कि राम के शेयर फोर फीचर हुए हैं, री इशू भी हुए। मोहन के शेयर फोर फीचर हुए हैं लेकिन री इशू नहीं हुए हैं, समझ गए क्वेश्चन। और दीपक का शेयर तो फोर फीचर भी नहीं हुआ है, तीन केसेस बनाए मैंने यहाँ पे। और क्या क्या केसेस बनाए मैंने, राम जो था उसके शेयर फोर फीचर भी हुए और री इशू भी हुए, दीपक जिसके मोहन के शेयर फोर फीचर तो हुए हैं लेकिन री इशू नहीं हुए, दीपक के तो फोर फीचर भी नहीं हुए। देखिए एग्जाम्पल कैसे होगा, तो सबसे पहले हमारे कितने 10,000, 10,000 में से समझाने के लिए मैं कर रहा हूं, सबसे पहले जो बेकार के शेयर होल्डर है ना निकाल दीजिए, मैं सबको ही बेकार मान लेता हूं, चलो 300, 200, 500 को माइनस करोगे बेकार वाले हैं तो बचे कितने आपके, अब 9500 में से वापस उसको एड ऑन कर दीजिए जिसको री इशू किया है, ऐसे समझ में आ रहा है, पहले तो सबको माइनस कर दिया, अब क्या 3, 4, अच्छा 9400, ठीक है 9400 और यहाँ पे 600 आएगा, ठीक है। अब क्या करना है, पहले ये देखो आपने सिंपली क्या करना है, टोटल शेयर लिया इशू वाले, उसमें से जो फेल वेल कोई भी हो रहा है सबको बाहर कर दो, मैंने बाहर करके करा तो कितने बचे, यहाँ तक समझ आया। इसके अंदर वापस उस शेयर को ऐड कर दो अगर कोई रीइशू हुआ हो तो, इन बातों को जो मैं बोल रहा हूँ ना इन बातों को लिख लेना, जब दोबारा रिपीट करोगे आप देखोगे तो लिख लेना अपने लैंग्वेज में, तो वापस ऐड कर दो जिसका रीइशू हुआ, तो बताएं कितना रीइशू हुआ है, तो अब 9700 यहां मुझे लेना पड़ेगा और 10 रुपए के हिसाब से आ जाएगा 97,000। यहां तक कोई डाउट बताइए, पहले वाले पॉइंट में बताइए डाउट नहीं, अगले पॉइंट में चले तो इक्विटी शेयर होल्डर में उसी का शेयर आता है जो फेल तो हुआ है फोर फीचर नहीं हुआ, तो इन तीनों में से मुझे बता दीजिए ऐसे कौन सा शेयर है जो फेल हुआ और जिसका फोर फीचर भी नहीं हुआ, तो जवाब है सर दीपक, जवाब है दीपक, तो 200 गुना में जितने दिए हो 5 और 2 7 यानी ये 1400 आ गया। अब फोर फीचर में उसी शेयर होल्डर का अमाउंट आएगा, ध्यान से सुनिएगा, जिसका शेयर फोर फीचर तो हुआ है लेकिन री इशू नहीं हुआ, फोर फीचर में कौन सा लेना है, जिसका शेयर फोर फीचर तो हुआ है लेकिन री इशू, तो आप ढूंढ के बताइए कौन है, यहां पे सिर्फ मोहन ही ऐसा व्यक्ति नजर आ रहा है, तो मोहन का हम लेंगे 100 शेयर कितना पेड किया होगा, सिर्फ 2 रुपए 200, तो देन अब टोटल क्या आ जाएगा 97,98,600, कोई डाउट, अब बताइए किसी को डाउट है तो इसको भी नोट करिए, एग्जांपल नंबर 7 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा ना, वो तो नोट कर लेना, अब बताइए सभी को, विजुअल भी है ना, कई बार हो सकता है विजुअल ना हो तो विजुअल भी है, मैंने यूट्यूब का लिंक भी इसलिए दे दिया है, दोबारा अगेन दे देता हूँ, जिसको विजुअल में थोड़ी दिक्कत आ रही हो तो मैंने दे दिया ये एग्जाम्पल में, देखिए मैंने इशू किए, अब पूरा एग्जाम्पल में चलो ये तो यही रहने देते हैं, इशू किए मैंने 10,000, एप्लीकेशन रिसीव है 15,000, अब अप्लाई और अलॉटेड बना देते हैं, है ना, अप्लाई और अलॉटेड, जिसने मांगे 500 शेयर उसको मिला 0, जिसने मांगा 9,000 शेयर उसको मिला 9,000, बैलेंस ऑन प्रोराटा, जिसने मांगे 4,500 शेयर उसको मिले, या फिर मैं थोड़ा कम कर देता हूँ, 9,000 वाले को दे देते हैं 7,000, तो बाकी कितने बच गए 3,000, जिसने मांगे 4,500 उसको मिले 3,000, तो टोटल में देखिए 10,000 बन गया ना, और ये भी टोटल में 15 बन रहा है,
नहीं बन रहा ना, 55 आएगा, 55 कर दिया, ठीक है बन गया। तो कुछ कुछ क्वेश्चन आपका अप्लाई अलॉटेड वाला बना रहा हूँ मैं अभी। अब मान लीजिए 10 रुपये का शेयर है, 10 का शेयर है, यहाँ पे 2 रुपये, 5 रुपये और 3 रुपये। यहाँ पे अगेन मैं राम जो होल्ड करता है, होल्डर है ये, 300 शेयर फेल हो गया, राम जो होल्ड करता है 300 शेयर फेल हो गया। यहाँ एडवांस है क्या? बिल्कुल एडवांस है, इसका भी एडवांस है इसका, तो आपको पता होना चाहिए बैलेंस शीट में एडवांस का कोई रोल नहीं होता। इसके बाद हमने करा क्या, यहाँ पे एक व्यक्ति 300 शेयर है जो होल्ड करता है, ठीक है। ये वाला जो व्यक्ति है ना, ये वाला मैं एरो कर देता हूँ, ये वाला व्यक्ति बिलोंग करता है हमारा इस कैटेगरी से, और जो ये वाला व्यक्ति है वो बिलोंग करता है इस कैटेगरी से। कुछ ऐसे क्वेश्चन हम प्रैक्टिकल में बहुत सारे कर चुके हैं। इसका शेयर जो था ना, वो शेयर फोरफीचर कर लिया गया, समझ रहे हो क्वेश्चन, समझ में आ रहा है यहां तक। और जब फोरफीचर किया गया तो इसमें से सिर्फ 150 शेयर रीइशू किए गए। पहले क्वेश्चन हर किसी को क्लियर होना चाहिए, तभी तो मैं बैलेंस शीट पे जाऊंगा। तो पहले बताइए क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है। दोबारा देखिए, मैंने इशू किए 10,000 और एप्लीकेशन रिसीव कितने, 15,000। अप्लाई अलॉटेड का रेशियो कुछ कुछ बना दिया मैंने, और कुछ मैंने 10 रुपये का रखा। राम जिसके पास 300 शेयर थे वो फेल हो गया, शेयर फोरफीचर, इसका फोरफीचर भी हुआ, लेकिन रीइशू जो किए ना सिर्फ 150 किए। और दूसरा जो 300 शेयर होल्ड करता था, नाम नहीं बताया मैंने, लेकिन इसके शेयर फोरफीचर भी नहीं हुए, समझे बात, फेल हो गया, ये फेल हो गया है। अब देखते हैं हम आगे की कहानी। अब टोटलिंग में आप बताना, अगर मैं टोटलिंग की बात करूं तो हमारे पास टोटल शेयर कितने थे जिससे हमें कैलकुलेशन करना है, 10 में से सबको निकाल के बाहर कर दो जो फेलियर हो रहे हैं। पहले तो 300 और 300 600, अच्छा इसका अमाउंट बदल दे 200, फिर कंफ्यूज हो जाओगे, नहीं तो 200, ठीक है 500 को निकाल के बाहर करते हैं। यहां तक समझ में आया, बच्चे कितने वापस इसमें जोड़ दो जिसको रीइशू किए गए, कितने जोड़े 150, तो कितने हुए, तो यहां पे आएगा 9,650, यानी 96,500। कोई डाउट? अब आते हैं इस पे किसका शेयर लिखा जाएगा जो कि फेल तो हुआ है लेकिन उसका फोरफीचर नहीं हुआ। तो जवाब है सर यहां पे आएगा 200 × 3, अच्छा 7 × 7 जो दे दिया है 1400। अब यहां पे उसका शेयर फोरफीचर में ऐड होगा जो फोरफीचर तो हुआ है लेकिन रीइशू, तो यहां पे इस वाले को अगर देखो तो 150 शेयर होल्डर ऐसे हैं जो फोरफीचर हो भी चुके हैं, 300 पूरे हुए हैं फोरफीचर, लेकिन 300 में से तो 150 ही रीइशू हुए ना, तो बाकी 150 तो नहीं हुए। तो 150 × कितने 2, यानी 300, तो टोटल क्या आ जाएगा 1796,500 + 1700, ये आएगा 98। देखिए कोई डाउट, कोई डाउट? देखिए मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर रहा हूं, ठीक है ध्यान देना, इस एग्जांपल को चेंज कर रहा हूं इस वाले को, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और ना ही इसमें कोई दिक्कत है, बस थोड़ा सा ना फोर फीचर में चेंज होने वाला है, और मैं फोर फीचर में जो चेंज होगा ना, मैं इसको 300 की जगह पे ना थोड़ा चेंज करके लिख देता हूं। मैं 300 की जगह पे अगर मैं ले लूं यहां पे 700 तो ठीक रहेगा, ठीक है इजीली आपका कट हो जाएगा यहां पे, है ना 700 ले लिया। अब देखिए मैं क्या कैलकुलेशन बताने की कोशिश कर रहा हूं, कैलकुलेशन यहां करते हैं, कैलकुलेशन इस शेयर होल्डर ने जो 700 था कैसे पता करेंगे, पता है अप्लाई कितने किए थे इसने, पहले अलॉटेड दे रखा है तो अलॉटेड, मैं लिखने से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता। देखो इसने 700 शेयर मिले थे तो क्या मांगे इसने 700 ही होंगे, नहीं कितने मांगे होंगे, तो मैं यहां पे 700 शेयर था तो निकाल लेंगे डिवाइडेड बाय 7 × 9 करके, तो ये जवाब आ गया आपका 900।
इसके टोटल पेमेंट जो आया होगा ना 900 मल्टीप्लाई बाय 2 के हिसाब से 1800 में से 1800 टोटल पेमेंट आया। अब 1800 की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर एडजस्ट कितने हो गए, 700 गुणा में, यानी इसके एडवांस कितने बचे, 400। समझ रहे हो? अब इसका जो फोर फीचर होगा, अब मैं इतने इससे भी आसान करते हैं, चलो इसको भी मिटाते हैं। सिंपल सी बात है, इसने 1800 दिए, इसके टोटल हमारे पास 1800 रुपए आए, तो इसके 1800 रुपए फोर फीचर कर लेंगे, हाँ या ना? री इशू में कितना चला जाएगा, डिवाइडेड बाय आपका कितने शेयर थे, 700 गुना में ये चला गया री इशू में, बाकी जो बच जाएगा उसे फोर फीचर में ले जाओ। मेरा कहने का मतलब समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं? क्योंकि सिंपली हो गया ना, 1800 शेयर है, 1800 शेयर को 700 से डिवाइड करेंगे तो आ गया एक शेयर पे, जो री इशू हो गया उसको तो हटा ही दो 150, तो 1800 डिवाइडेड बाय 700 और इनटू 150, पॉइंट में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, 385 हटा देंगे। मैंने सही करा है, 1800 डिवाइडेड बाय 700 इनटू 150, बिल्कुल ठीक, 385, 385 हटा देंगे माइनस 1800। तो यहां पे कुछ बच्चों को दिक्कत हो सकती है, मैं और भी एग्जांपल लूंगा, तो यहां पे क्या होगा हमारा, 1800 टोटल मिले, यानी 150 वाले का हटा देंगे कितना, 385, तो ये 1415 आएगा टोटल करके, जो होगा वो आ जाएगा। मैं समझ सकता हूं कुछ बच्चों का मे बी डाउट हो, फिर भी मैं दोबारा क्लियर करता हूं आपको। यहां पे हुआ क्या था कि 700 शेयर होल्ड करता था, तो डेफिनेटली इसने 700 शेयर जो होल्ड किया तो इसने अप्लाई 700 नहीं किए होंगे, तो इसने टोटल पैसा कितना दिया ये पता करो। तो जी इसने मांगे 900 थे, 2 के हिसाब से 1800 दे चुका है ये, और ये पूरा फेलियर भी हुआ, तो 1800 का 1800 फोर फीचर करो ना, तो जी 1800 रुपये हमारे फोर फीचर हो गए। लेकिन जितना री इशू हो गया उसका फोर फीचर तो अलग कर दोगे, क्योंकि इस 1800 को दो हिस्से में बांटना पड़ेगा, मजबूरन है हमारी कि इस 1800 को हमें दो हिस्से में बांटना पड़ेगा। सर दो हिस्से में किस किस में बांटना पड़ेगा, एक हिस्सा वो जो फोर फीचर के अंदर चला गया, एक री इशू के में चला गया, एक हिस्सा जो री इशू में नहीं गया। तो री इशू में कितना जाएगा, 150 वाला पार्ट जाएगा, तो ये हिस्सा निकल जाएगा री इशू का जो कि आ गया 385, तो बाकी का जो बच गया वो तो री इशू का हिस्सा ही नहीं है ना, तो वही तो हम यहां लिखेंगे शेयर फोर फीचर में। तो बताइए कोई डाउट कोई इसमें बताइए। अब इसको नोट करिए आप, चलिए मैंने इशू किए 10,000, आपने कैपिटल रिजर्व भी बताना है, 10 रुपए का शेयर है, 5 रुपए, 3 रुपए, 2 रुपए प्लस 2 रुपए का प्रीमियम है, तो दैट्स वाई यहां मैं 5 कर देता हूं। सिक्योरिटी प्रीमियम कहां है, यहां पे है, यानी 2 रुपए शेयर कैपिटल और 2 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम, 1 शेयर कैपिटल, ठीक है। यहां पे एक व्यक्ति राम 300 शेयर होल्डर फेल हो गया देने में। अब यहां होल्डर अप्लाई का तो कॉन्सेप्ट नहीं आएगा ना, क्योंकि इशू दे रखा है, 300 शेयर फेल हुआ और इसके मैंने री इशू कर दिए, और जो री इशू किए ना वो मैंने मान लेते हैं कि 100 शेयर री इशू किए हैं, ठीक है, 100 शेयर री इशू किए हैं। अब जवाब देखिए आप, यहां पे 10,000 है ना, 10,000 में से जो फेलियर है निकाल दो 300, बचे कितने, वापस एड ऑन कर दो जो री इशू हो गए 9800, तो यहां पे आएगा 10, यानी 90, समझे बात। सर यहां पे तो कोई जगह नहीं है क्योंकि सभी के शेयर फोर फीचर हो गए हैं, तो यहां पे कुछ तो। अब बात करते हैं फोर फीचर में, फोर फीचर में अगर देखा जाए 300 पे टोटल हमने कमाई किया था कितने, 5 रुपए और 1 रुपए, प्रीमियम को तो काउंट नहीं करते ना, तो 5 और 6 1800 कमाए पता है कितने शेयर पे, और हमें फोर फीचर में भेजना 200 शेयर के हैं, फोर फीचर में तो 200 के भेजने ना भाई, वो तो कैपिटल रिजर्व में 100 के भेजने हैं, तो क्या आएगा 3 1200
तो ये आ गया जी 1200, ये 1200 आ गया, समझ में आया। अब बता दो कैपिटल रिजर्व कैसे निकालेंगे। कैपिटल रिजर्व री इशू का अमाउंट भी बताना पड़ेगा मुझे। री इशू जो है वो 12 रुपए में किया है, दो सिक्योरिटी प्रीमियम है, ध्यान देना ध्यान देना। री इशू कितने में किया, 12 में, दो सिक्योरिटी प्रीमियम है। तो जी कमाए कितने थे इससे, तो 1800 डिवाइडेड बाय 300 इंटू में 100, कमाए कितने थे 600, नुकसान तो कुछ हुआ नहीं, तो सारा 600 रुपए चला जाएगा किसमें, और प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम भी जाएगा ना। अब सिक्योरिटी प्रीमियम किस किस ने दिया, सबने दिया, तो सिक्योरिटी प्रीमियम देखा जाए तो क्या आएगा, ध्यान देना सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट पे जी आएगा 10,000 गुना में 2 प्लस, एक बार फिर दोबारा सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव कर लिया हमने, 100 मल्टीप्लाई 2 यानी 200, तो सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा आएगा हमारे पास ये, और कैपिटल रिजर्व का पैसा कितने आएंगे, हाँ नोट मैं भी इसमें कर लेते हैं ना, नोट जरूरी नहीं है। तो इसके अंदर देखा जाए तो 20,200 और 6 20,000, और यहां टोटल कर लो 98,99,000। बताइए कोई डाउट, ये था हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम वाला भी। बताइए डाउट,